Ya Ashisha Ashaste. जो आशीष की आशा आपसे करता है, प्रहलाद महाराज ने कहा, न स सवई वणिक न स भृत्य, थैंक यू, तो हुआ, और नहीं नहीं वो आपका भृत्य आपका सेवक नहीं हो सकता, जो आपकी सेवा करता है और बदले में कुछ वरदान कुछ पुरस्कार कुछ कुछ आशीर्वाद चाहता है, वो तो आपका भक्त नहीं हो सकता। सवई वर्णिक वो तो कोई बनिया हो सकता है, ये तो बनिया हो गया, भगवान के साथ व्यापार कर रहा है, ये ले लो नारियल लो ये लो कुछ लो। और बदले में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, एक व्यक्ति ने ऐसे याद आया, और लॉटरी का टिकट खरीद लिया तो जो पुरस्कार मिलेगा तो उसने भगवान को पार्टनर बनाया, तो भगवान कर इतने का, अब 1 करोड़ का तो मुझे पुरस्कार मिलता है, तो 50-50 का, तो आधा आपका हिस्सा आधा मेरा हिस्सा। भगवान के साथ वो साइन कॉन्ट्रैक्ट, तो इस लॉटरी के जब पुरस्कार घोषित हुए तो उस व्यक्ति को वहां से 50 लाख का ही लॉटरी लग गई, और फिर 50 लाख लेके वो घर में बैठा, भगवान प्रतीक्षा में थे, 50-50 का वादा तो था, कब आता है मुझे मेरा 50% लेके, वो नहीं आया तो भगवान स्वयं ही गए, ए व्हाट अबाउट 50%, वो 50% का क्या हुआ? तो ये व्यक्ति कहता है जिसने भगवान के साथ व्यापार कर रहा था, वो कहता है, हाँ भगवान आप बड़े चालाक हो। क्या चालाकी? मैंने क्या किया? आपका इतना विश्वास नहीं था मुझ पर, आपने तो मुझे केवल 50 लाख ही दे दी, आपने 50 लाख पहले जेब में रख दी कि लॉटरी तो 1 करोड़ की नहीं लगी, तो मुझे तो 50 लाख ही मिले, तो मैंने सोचा कि आपने तो अपना हिस्सा 50% रख लिया, बड़े चालाक हो भगवान। तो हुआ ये आशीष आशास्ते, न सभ्रत्य स वैवणिक, तो हुआ। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को जब कहा, कुबेर ने कहा, कोई वर मांगो कर वो, कोई वर मांगो, तो ध्रुव महाराज ने, देखो ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, हरो स वव्रे अचलिताम स्मृतिम ययो, बस कुबेर जी मुझे एक ही वरदान दो, बस सदैव मुझे भगवान का स्मरण होता रहे, बस इतना ही वरदान मुझे दो, मेरी प्रभु नाम या प्रभु सेवा में प्रभु नाम में मेरी रुचि बनी रहे, यही मुझे वरदान दो। तो हुआ,
तो ये कोई छोटा वरदान नहीं है जिसको भगवान की स्मृति या जिसको भगवान ही प्राप्त हुए, जिसको भगवान का नाम प्राप्त हुआ, ये भगवान का नाम ही धन है। सर्वोत्तम धन तो ये हरि नाम ही है। धन की किस लिए जरूरत होती है? सुखी होने के लिए धन की जरूरत होती है। धन को बस प्रभु का नाम ही, प्रभु ही, प्रभु का नाम ही आत्मा को, हमको पूर्णतः फुल्ली प्रसन्न कर सकता है। तो बुद्धिमान सवई, वो व्यक्ति चतुर है, जो भगवान को भजने वाला व्यक्ति चतुर होता है। तो इस प्रकार तो उन्होंने कहा कि तरति, जब मुझे अगर भगवान की स्मृति प्राप्त होगी, मुझे भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये धन प्राप्त हो और मुझमें प्रवेश हो इस हरि नाम का, मेरे भाव में, मेरे अंतकरण में हरि नाम का प्रवेश, बाहरी बाहर नहीं, हरि नाम की प्राप्ति मतलब आत्मा को प्राप्त हुआ, यह आत्मा को प्राप्त हुआ हरि नाम, केवल तोते जैसा रटा रट लिया ऐसा नहीं। जिसने हरि नाम को भी हृदयंगम किया हुआ है तो फिर क्या, हरि नाम प्राप्त हुआ, हरि नाम प्राप्त हुआ है जिसको, हरि नाम प्राप्त हुआ। हरि नाम प्राप्त होना मतलब हरि की प्राप्त होना है। इकड़ून तिकड़ून जाई वारे नड़ी फूंकीली सोनारे, इकड़ून तिकड़ून जाई वारे मराठी में, एक कान से अंदर आउट, आउट नहीं। कर्ण रंध्रई, कर्णों के रंध्रों से कर्ण विवरई, आत्मा तक इस हरि कथा को, हरि नाम को, हरि लीला को आत्मा तक पहुंचाना है। जो हम है, हम कान नहीं है, हम कान को मुक्त नहीं करना है। एकदम काट लिया तो कान मुक्त हो गया, मुक्त तो हमें आत्मा को मुक्त करना है, शरीर को मुक्त नहीं करना। शरीर यही का है, शरीर मिट्टी है, और राम नाम सत है तो जब दाह संस्कार होगा तो मिट्टी में मिट्टी और जल में जल, जो पंच महाभूति शरीर में है, जो ब्रह्मांड में है, वही तो पिंड में भी तो है, या ब्रह्मांड का ही कुछ अंश, 50 kgs आजकल किलोज बढ़ रहे हैं, 100 kgs 15 साल के बच्चे 100 kg, बाप रे बाप, छोटा हाथी जा रहा है, बैकपैक भी है। तो शरीर या सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो सब मिल जाते हैं,
पृथ्वी पृथ्वी के साथ, जल जल के साथ, हवा हवा के साथ, एक दृष्टि से मुक्त हो गए। लेकिन मुक्त तो हमें खुद को मुक्त करना है। खुद है कौन? हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। दिस इज फाउंडेशनल नॉलेज। पहला ज्ञान तो ये है, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत। मैं आत्मा हूँ, अहम दासोस्मी, और ये आत्मा भगवान का दास है। ए जीव कृष्ण दास, ए विश्वास कर लो तो और दुख नाय। ये जीव भगवान का अंश है, भगवान का दास है। बस इतना सा अगर कोई समझता है तो कर लो तो और दुख नाय, दुख नहीं होगा। हैप्पी हैप्पी वी शैल बी When we learn our ABC, ऐसा बच्चों के लिए कहते हैं। हम सुखी होंगे, बच्चे सुखी होंगे। कैसे सुखी होंगे? वे जब सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ABCD, फिर आगे भी। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की ABCD है भगवद गीता। और ABCD कुछ ABCD कह रहे थे, कोई उसका महत्व कम नहीं किया जा रहा है। आप PhD भी होंगे तो ABCD के बिना PhD भी नहीं हो सकते। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे तरती, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा स्मरण मुझे प्राप्त होगा आपके वरदान से। तरती अयत्नेना दुरत्य अयम तमः। तो फिर ये संसार को तर के मैं लांग सकता हूँ, छलांग मार के बाहर निकल सकता हूँ इस भव सागर के। ऐसे विठ्ठल भगवान कहते हैं, करकटावरी ठेवनिया सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी करकटावरी ठेवनिया। करकटावरी तो जो भी दर्शन के लिए जाते हैं उसके पहले सत्संग करते, साधु संग करते, विठ्ठल 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 विठ्ठल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि का फिर आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए साधु संग हरि नाम कृष्ण प्रसाद करते हुए फिर गए और विठ्ठल के सामने आ गए। तो विठ्ठल अपने कमर पर हाथ पर रखते हुए कहते हैं दर्शनार्थी को, बहुत अच्छा हुआ तुम आए, मेरे दर्शन के लिए आए हो। तुम तो भव सागर में डूबे हुए थे या भव सागर में जी के मर रहे थे, मर के जी रहे थे, जी के मर रहे थे, सब डूब रहे थे, मर रहे थे। लेकिन तुम यहां जो आए हो, अब तुम किनारे आ गए इस भाव सागर के। मेरे पास आना मतलब इस भाव सागर के किनारे आना। यहां पर कुछ ज्यादा पानी नहीं है, जल नहीं, कितना है? इतना ही है भगवान अपने करकटा वरीठे उनिया। तो इतने इतने भर के पानी में कोई डूब नहीं सकता, मतलब तर गया उसका उद्धार। तो ध्रुव महाराज भी कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं तर सकूं। हुँ?
ऐसा वरदान प्राप्त करके पहले नारद जी ने उनको वरदान दिया ही था और उन्होंने भी दिया। अब यह मनु महाराज और कुबेर जी भी वरदान भक्ति का दान, मतलब कृष्ण का ही दान। कृष्ण का लो कृष्ण विठ्ठल ध्यावा पहावा द्यावा विठ्ठल भगवान। ये कथा हरी कथा हरी है, हरी कथा भगवान है, तो हरी कथा दे रहे हैं, मतलब भगवान को दे, भगवान को लो कथा के रूप, भगवान को लो। तो ध्रुव महाराज अपने राजधानी लौटे हैं।